हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम इलेवन के ड्रीम एक्स के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने इस पे दो वीडियो बनाए हुए हैं। एक में हमने बताया हुआ कि कैसे आप ड्रीम इलेवन से ड्रीम एक्स पे साइन इन कर पाएंगे, और दूसरी वीडियो में हमने ये बताया हुआ है कि क्यों ड्रीम इलेवन का बैनर पे ये ड्रीम एक्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी तक आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पे यानी स्क्रीन पे दोनों वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप ड्रीम एक्स पे अपनी केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे, ड्रीम एक्स के सारे फंक्शन के बारे में कोई जानकारी मिल जाएगी, कैसे ड्रीम एक्स को यूज करना है, कैसे आप इस पे पैसा लोड कर पाएंगे, और इस पे ड्रीम इलेवन का कौन सा अमाउंट शो करता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे अब ड्रीम इलेवन ड्रीम एक्स के लिए आपका बैंक का काम करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे ड्रीम एक्स की तरफ। ड्रीम एक्स ऐप को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जहां पे आपके ड्रीम इलेवन की जो विनिंग बैलेंस होगी वो ऊपर दिख जाएगी। ठीक है, नीचे आप अगर किसी यूपीआई आईडी को पे करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं, साथ में स्कैन करके पे करना चाहें या मनी के लिए रिक्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी एक प्रकार से फुल्ली यहाँ पे वही बैलेंस शो करता है जो ड्रीम इलेवन पे आपका विनिंग वैलेट में होता है। ठीक है, जो वहाँ पे डिपॉजिट वैलेट में होगा या कैश बोनस में होगा वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, तो एक प्रकार से ड्रीम इलेवन आपका एक बैंक हो गया, ऑफिशियल तौर पर तो नहीं लेकिन नॉन ऑफिशियल तौर पर एक बैंक की तरह आपका अब ड्रीम इलेवन काम करेगा इस ड्रीम एक्स ऐप के लिए। ठीक है, उस मनी को यूज करके आप यहां से फाइन कोड शॉप ऐप पे जाके खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही यहां पर अगर किसी का मोबाइल आप रिचार्ज करना चाहते तो वो कर सकते हैं, किसी प्रकार का बिल पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन है, वो आप कर सकते हैं। ठीक, फिर और इसके फंक्शन जानने के लिए लेफ्ट साइड में जो प्रोफाइल सेक्शन है उस पर क्लिक कीजिए। अगर आप अपने वैलेट को अपग्रेड नहीं करते तो आपको 10,000 रुपया ही मंथली आप यूज कर सकते हैं। ठीक, यहां से आप अपना जो यूपीआई है उसे मैनेज कर सकते हैं, साथ ही आप ड्रीम एक्स पर अपना पिन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, और आप अपने वैलेट को अपग्रेड करने के लिए जो यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है अपग्रेड योर वैलेट, इस पर आप टच कर दीजिए। टच करने के बाद यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर आप यहाँ से अपग्रेड करते हैं तो आपको क्या फैकल्टी मिलेगी। पहला है कि 20x इंक्रीज इन वैलेट लिमिट, यानी आप वैलेट में 20 गुना ही रख सकते हैं, यानी 2,00,000 रुपये तक का आप यहाँ पर ड्रीम एक्स का वैलेट में अपना पैसा रख सकते हैं। और साथ ही आप स्कैन और करके किसी को अपना पैसा भी पे कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपको फैकल्टी यहाँ से मिल जाएगी। फिर नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, इस पर आप टच कर दीजिए। टच करने के बाद ठीक है, जो भी आप यहाँ पर डिटेल शो कर रहा है वो आप देख लेंगे। ये सारी डिटेल वही है जो आपको डिटेल ड्रीम इलेवन पर मांगी गई थी। तो जो केवाईसी वहाँ पर लगा था आपका पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर देने पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगी। ठीक है, OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया है, यहाँ पर लोडिंग और डिटेल लिख रहा है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि हाँ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पर साइन में आपका फोटो भी दिख जाएगा। ठीक है, अगर ये सब कुछ सही है तो आप कंटिन्यू कर दीजिए, या अगर सही नहीं है तो नीचे लिखा हुआ है कि डिटेल इनकरेक्ट, यूज आधार इंस्टेड। अगर आपको ये डिटेल सही नहीं लग रहा है तो आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से नीचे अपनी KYC यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी जो यहाँ पर डिटेल है वो सारी चीज़ें सही हैं, तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद स्माइल फॉर ए सेल्फी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो सेल्फी होगी वो सब सारी चीज़ें लिया जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या करना है, आपको कीप योर आइज ओपन, आपकी आँख खुली होनी चाहिए, आप किसी भी प्रकार कोई मास्क या फेस कवर नहीं पहनना चाहिए, और ये प्रयास करना चाहिए कि जो आपका सर है वही बस
मतलब आपके उस फ्रेम में होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। तो आप जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपन फ्रंट कैमरा, इस पर क्लिक कीजिए। अगर बाद में करना चाहते हो तो नीचे लिखा है कि मे बी लेटर, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मुझे करना है तो हम ओपन फ्रंट कैमरा पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ परमिशन मांगेगा, वो आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देख लेंगे कि हाँ चेहरा क्लियर आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो आप अपने फ़ोन का जो ब्राइटनेस है उसे आप यहाँ से इंक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से बैक का क्या कैमरा करना, तो बैक का क्या कैमरा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये फ्रंट, और आप अपना चेहरा इसमें ध्यान से देख लीजिएगा कि हो रहा है कि नहीं, और यहाँ से आप फोटो ले लीजिए। ये फोटो हो गया, यहाँ पे क्लिक, ठीक है। अब देखना है कि ये यहाँ से इसे ले पाता है कि नहीं, क्योंकि थोड़ी सी लाइट की दिक्कत है। ये थोड़ा सा अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद ऊपर अपलोड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, ठीक है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रॉपर मेरे रूम में लाइट ना होने की वजह से ये KYC फेल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन है कि ट्राई अपग्रेडिंग अगेन, अगर फिर से करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू टू प्रोफाइल पर जाना चाहते हो तो आप कंटिन्यू टू प्रोफाइल पर भी जा सकते हो। तो हम फिर से एक बार ट्राई करना चाहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रॉपर लाइट में आ जाते हैं, देखते हैं कहाँ से ये लाइट प्रॉपर आती है, ठीक है। यहाँ तो यहाँ से लाइट प्रॉपर आ रही है, तो हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। ये हो गया, यहाँ से टच, और अब यहाँ से ये इसका प्रोसेसिंग चालू हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कब तक इसका प्रोसेसिंग होता है। यहाँ से भी आपको फिर से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसा कि देख रहे हैं कि जो अब है ये मेरा वैलेट सक्सेसफुली KYC मेरे वैलेट की कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर लिख रहा है कि परंट पर ट्रांजेक्शन लिमिट आपका जो 2 लाख है वो बढ़ चुका है, ठीक है। यहाँ से आप ड्रीम लैंड विनिंग पे जाके आप यहाँ से अपने ड्रीम लैंड की विनिंग चेकआउट कर सकते हैं। माइनस UPI इस पर जाके अपना जो UPI है इसे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नीचे लिखा है कि एग्री एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर दीजिए। अलाउ कुछ परमिशन मांगेगा, इसे अलाउ कर दीजिएगा। जिस भी सिम से आपका है वो सिम यहाँ से आप सेलेक्ट करके आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमने अपना UPI क्रिएट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अब फिर यहाँ से आपका यहाँ पर भी क्रिएट योर वैलेट UPI ID का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप अपनी UPI ID क्रिएट कर सकते हैं। और जो यहाँ से अवेलेबल अमाउंट है इस पर टच करने पर आपका DreamX का वैलेट और Dream11 Winning वैलेट दोनों का आपका जो पैसा यहाँ पर दिख जाएगा। एड मनी का एक यहाँ से ऑप्शन है, इस पर आप टच करके जितना जैसे मान लीजिए मुझे 500 रुपया ऐड करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट पेमेंट मेथड है, इस पर आप टच कर दीजिए, ठीक है। टच करने के बाद यहाँ से बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन आपके यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ से ड्रीम पे ओपन हो गया, यहाँ पे अगर किसी अदर UPI के साथ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अदर UPI का ऑप्शन है। और अगर UPI ID से पे करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का है। जो भी आपको सही लगे उसके माध्यम से आप यहाँ पे पैसा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे ऐड नहीं करना है, चूँकि आप लोगों को इसकी सारी डिटेल बता रहे हैं। तो यहाँ पे व्यू हिस्ट्री है, इस पर आप सारी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यही है आपका DreamX ऐप और इसके सारे फंक्शन, और इसकी कैसे KYC होगी यह भी आप जान चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।